सब पार्टी को अधिकार है, सभी पार्टी को अधिकार है अपने आधार और जनाधार बढ़ाने का और अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का। लेकिन सबको मालूम है कि बिहार के हित में क्या है और बिहार के हित में एनडीए जिस प्रकार से काम कर रही है, आगे भी सब लोग मिलकर, एनडीए के सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 25 की तैयारी करेंगे। हर पार्टी अपना जनाधार बनाने के लिए हर क्षेत्र में अपना आधार काम करती है और हमारा प्रयास है कि हम लोग भी सभी पार्टियों के सम्मान के साथ एनडीए 2025 में चुनाव लड़ें। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, एसटी आरक्षण में इस यूनिवर्स में क्या कहेंगे? मैं आपको कहना है कि राहुल गांधी जी, 70 साल तक आप अपने परिवार के बाहर तो आरक्षण दिए नहीं, आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज तक जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो केवल परिवार को ही ना अपना आरक्षण दिए, कहाँ समाज के हर वर्गों को आरक्षण दिए। और जो आरक्षण के जनक थे अंबेडकर जी, उनको चुनाव हराने के लिए उन्हीं के परिवार के नेहरू जी ने क्या क्या किया था। आज जिस आरक्षण की हवाला दे रहे हैं, उस आरक्षण को लाने वाला व्यक्ति, मसीहा कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी, उनको अपमानित करने के लिए चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। उनको भारत रत्न मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय मिला, उनको आज पंच तीर्थ बने अंबेडकर जी के नाम पर तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। तो इन लोगों ने तो केवल अपने परिवार को सम्मान दिया है, इनको समाज और लोगों से क्या मतलब है। आज राजनीतिक दृष्टि से जिस बात की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं 70 सालों में आपने समाज के हर वर्गों को विकास के पैदान पर ले आया कि आज उनको जरूरत नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए। तो आप तो चाहते ही हैं कि केवल आपका परिवार बढ़े, इसके अलावा समाज का कोई मतलब आपको नहीं है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल कह रहे हैं कि बिहार में जितने भी थानाध्यक्ष हैं बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसे बोल रहे हैं, उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत सुझाव है, जहाँ दिक्कतें हैं उनको बतानी चाहिए, उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, 2025 में अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो क्या रणनीति समीकरण है भाई? अब ये अनंत सिंह जी से पूछिए ना, वो चुनाव लड़ेंगे क्या करेंगे, हमारा विषय नहीं ना, तो ये उनसे बता से पूछना चाहिए ना।